राजपुताना में इन तमाम शासकों का और इन सारी रियासतों का। जब पद्मावती के इतिहास को लेकर बात होती है तो यह प्राइड का विषय हो जाता है। लक्ष्मण लक्ष्मण बीकाना क्या सोच रहा है? सर लगता है लक्ष्मण तक आवाज नहीं जा पा रही। लक्ष्मण अगर आवाज आ रही हो, लक्ष्मण बीकाना क्या सोचता है? लक्ष्मण जी राहुल बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। देखिए निश्चित तौर पर बीकाना में भी वही बात है, जो हिंदूवादी संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, भाजपा के नेता भी विरोध कर रहे हैं। हमने जब बात की कुछ इतिहासकारों से, कुछ साहित्यकारों से, उनका अपना तर्क है। मेरे साथ इस वक्त राहुल पैनल है, हम उनसे समझेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत है, पत्रकार हरीश पी शर्मा है, यहाँ लिखते पढ़ते रहते हैं दीपचंद साखला, लेखक है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले दीपचंद जी का हम प्रतिक्रिया लेते हैं। सब जिस तरह से चाय के प्याले में तूफान खड़ा हो गया है, फिल्म अभी आई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड अपना काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की आन बान शान इससे जुड़ी गई है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? जहाँ तक आन बान शान की बात है, ये कोई छुई मुई तो होती नहीं है कि भुरभुरा के गिर जाएगी। ये सारा विवाद अभी हवाई है। फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सेंसर बोर्ड से पास नहीं की गई है, किसी ने स्क्रीनिंग देखी नहीं है, और खाली सुनी सुनाई बातों पे अगर हम इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं तो मुझे कहीं लगता है कि समाज असहिष्णु होता जा रहा है। ये भारतीय समाज वो समाज है जहाँ राम कथाओं के 100 से ज़्यादा वर्जन मिलते हैं। कहीं लक्ष्मण को खलनायक बताया जाता है, कहीं भरत को खलनायक बताया जाता है, कहीं हनुमान जी की शादी कर दी जाती है। ये वही भारतीय समाज है। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि अभी बखेड़ा खड़ा करना सही नहीं है। पहले हमारे साथ शिक्षिका है, हम उनका बयान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, तो हम उनसे एक सवाल ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि अभी तक वाकई में फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर को देख के अपन कयास लगा रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ की गई है ऐतिहासिक तथ्यों से। सिर्फ पद्मावत में सिर्फ कहा गया है कि इस तरह से पद्मावती के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का जो था, लेकिन इसमें उसकी भावनाओं को देखा जाए तो उसने तो बलिदान किया था, जौहर किया था, तो ये चीज़ तो गलत है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर है ये मात्र, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, तो हम फिल्म का विरोध तो कर ही नहीं सकते। क्या पता सेंसर बोर्ड उसको पारित करे ना करे, बात की बातें हैं। पहले से बखेड़ा खड़ा करना तो सही नहीं लग रहा। देखिए राहुल, पहले से बखेड़ा करना सही नहीं, एक चीज निकल कर आई, लेकिन सवाल ये है राहुल, जो मैं सोचता हूँ कि गुजरात में भीड़ होती है, मुद्दा राजस्थान का है, तो कहीं इस पर सियासत तो नहीं हो रही है? तो ये सवाल हम भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत से लेते हैं। सब गुजरात में भीड़ होती है इस फिल्म को लेकर, जो राजस्थान की अस्मिता से जुड़ी फिल्म है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐतिहासिक चरित्रों को अगर हम खंडित करने की कोशिश करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में उसका विवाद तो खड़ा होगा ही। आप कह रहे हैं कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन संजय बंसाली जी को ये क्लियर कर देना चाहिए, जब बार बार ये बात उठकर आ रही है कि उन्होंने किस बेस पे फिल्म बनाई। अच्छा, पद्मावती का इतिहास कोई काल्पनिक तो है नहीं, केवल आप पद्मावत को कह के ये कह देते हैं कि वो उनकी कल्पना मात्र थी जायसी की, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं। पद्मावती का जौहर हुआ है, वो प्रमाणिक तथ्य हमारे पास मौजूद है, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आप हमसे नहीं, इतिहासकारों से नहीं, तो कम से कम उनके परिवार के लोगों से बात तो करें कि जो आपने फिल्माया है, और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ आप फिक्शन तो बिल्कुल नहीं बना सकते। मेरा इस बात पे सख्त एतराज है कि जब देश बनता है तो वो कोई जमीन से नहीं बनता, संस्कृति बनती है। सवाल ये भी है, आप खड़े करते हैं, लक्ष्मण नहीं, सवाल इस बीच ये भी है लक्ष्मण, कि अगर किसी को सच्चाई दिखानी हो तो फिर वो